बॉटम के तीनों पार्ट में बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स भेजी और डीएम्स भेजे, और वही कमेंट्स और डीएम की वजह से मैं नए नए वीडियोस बनाने में इंस्पायर होती हूँ। सो थैंक यू सो मच। तो आज का वीडियो है मेरा ड्रेसिंग टेबल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती थी कि बहुत सारी कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन एक कमेंट है जो मुझे डिस्क्राइब करती है शॉर्ट वर्ड में। सो वो भेजी है हिना गोंडलिया ने। You are always fabulous when it comes to style yourself for whatever the occasion may be. Would love to learn some tips from you. तो ये जो लाइन है ना वो मुझे डिस्क्राइब करती है कोई भी ओकेशन हो, मुझे कुछ नया ही पहनना होता है। आई मीन नए कपड़े नहीं, लेकिन कुछ मुझे क्रिएटिव करना होता है। मैं सिर्फ ब्लाउज या चनिया या दुपट्टा नहीं पहन सकती, मैं उसमें कुछ कुछ नया क्रिएटिव डालती हूँ। इवन क्लोथिंग में ही नहीं, मैं ज्वेलरी या फिर शूज होते हैं ना वो भी, मैंने प्राची की शादी में जूते भी मैंने डिजाइन दिए थे कि उसमें क्या मैं नया क्रिएटिव करूं। सो ये लाइन है ना कि कोई भी ओकेशन हो और कोई भी थिंग हो, मैं उनको क्रिएटिव करती हूँ, उसके बाद ही पहनती हूँ। हाँ, जैसे कि ये टी शर्ट, ये प्लेन टी शर्ट थी, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा कीड़ा है कि मैं इसमें कुछ कुछ डालू। ये लाइन है वुड लव टू लर्न सम टिप्स फ्रॉम यू, तो वही मुझे बताना था कि अब जो आगे की वीडियो आएगी वो सब मैं यही बताऊंगी कि मैं क्या क्या क्रिएटिव कैसे कैसे करती हूँ। सो स्टे ट्यून। सो बहुत सारी बकबक हो गई, अब शुरू करते हैं वार्डरोब का वीडियो। यहाँ पे ये ऊपर कियाना की फ्रेम है जिसमें माय फर्स्ट ईयर यानी कि उसके 12 मंथ्स की फोटोज है, फिर स्कूल ईयर्स यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, वो मेरी सारी फोटो है। और ये मुझे एक इंस्टाग्राम के पेज में से ही मुझे गिफ्ट मिला था। राइट साइड के ड्रॉवर्स है ना उसमें मैं ज्वेलरी रखती थी, एक मैं नेक पीसेस, एक मैं इयररिंग्स, एक मैं बैंगल्स, सभी चीजें। तो जब भी मैं रेडी होती थी ना तो मुझे सब ड्रॉवर्स निकालने पड़ते थे, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि क्या मैचिंग करूँ, सब एक साथ दिखाई दे तो ही मुझे कुछ समझ में आता है। तो फिर मैंने वो जो ज्वेलरी का ड्रॉवर था वो मैंने पार्ट 3 वार्डरोब में दिखाया है वहां पे शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे पूरी हेयर एक्सेसरीज और जो मेरी रूटीन की स्किन केयर प्रोडक्ट्स वो सब है वही मैंने रखा है। तो जो ये फर्स्ट वाला ड्रॉअर है उसमें मैंने रखा है चार्जर, फिर ये ईयरपॉड्स, डायरी और पेन वाला बॉक्स, ये मैं लेके बेड पे बैठती हूँ और सब मेरा काम करती हूँ। ये है टैबलेट और ये डायरी, पेन, और यहाँ पे मैंने वॉचेस रखी है, और ये थोड़ी ज्वेलरी है जो मुझे जल्दी जल्दी जाना हो और चेंज करनी हो तो, और ये थोड़ी चॉकलेट्स। और जो ये बुक्स है उसमें से ये मेरे मम्मा ने लिखी है और ये मेरे पापा ने लिखी है, और फिर ये जो दूसरा ड्रॉअर है ये सब है मेरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फिर इस ड्रॉअर में है सब मेरे हेयर अप्लायंसेस जिसमें स्ट्रेटनर, कलर, क्रिम्पिंग, ड्रायर एंड थोड़े स्प्रे जिसमें हेयर सेटिंग स्प्रे, फिर ड्राई शैम्पू, कर्लिंग क्रीम, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। ये है ना बहुत ही इजी रहता है, इसके नीचे मैं कॉम्ब वो सब रखती हूँ। ये जो अरेंजमेंट है ना वो बहुत ही यूजफुल है कि हमें सब कुछ जल्दी मिल जाता है, और ये कंपार्टमेंट में भी हमें बहुत ही इजी रहता है सब निकालना, सेफ्टी पिन होती है, फिर ये थोड़े वेस्टर्न रबर बैंड्स है, फिर ये वेस्टर्न पिन्स है, सो हमें इजीली ये सब मिल जाता है। उसके बाद जो ये वाला ड्रॉअर है नेल्स का, वैसे भी मैं कम करती हूँ लेकिन ये सब मेरी नेल पेंट्स है वो तो मैं कलेक्ट करती थी, लेकिन जो नेल्स है ये सारे नेल्स है वो मैंने अभी कलेक्ट किए हैं। उसमें से जो मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड श्रद्धा, उसने गिफ्ट किए थे और थोड़े मैंने लिए हुए हैं। फिर ये सब मेरी हेयर स्टाइल की चीज़ें हैं, और ये एक ऐसा बॉक्स है ना ये मुझे बहुत ही काम आता है, मैं जो ये मेरा अमेज़न फाइंड्स वाला वीडियो है ना मैं उसमें आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद जो लास्ट ड्रॉअर है ये है मेरी अमानत, ये है मेरा लैपटॉप, फिर उसके नीचे ये बॉक्स है जिसमें मेरी हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव्स है, फिर ये सब चार्जर है, ईयरफोन्स है वो सब, और ये कियाना का रेडियो यहाँ पर आ गया। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
सो जो ये लेफ्ट साइड का ड्रॉअर है उसमें मैं मेकअप प्रोडक्ट्स रखती थी। उसमें भी ऐसा होता था कि जब मुझे रेडी होना होता है तो एक साइड मैं कॉम्पैक्ट निकालती हूँ, फिर लिपस्टिक निकालती हूँ, तो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा था। सो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट कर दी बीच में, और वो भी मैंने बहुत ही खाली की है क्योंकि पहले ना मुझे मेकअप नहीं आता था, तो मैं सारी चीज़ें ट्राई करती थी। फिर मुझे पता चला कि यही प्रोडक्ट्स मुझे सूट कर रही है, यही मेरा स्किन टोन है। सो मैंने सारी चीज़ें स्किन टोन जिससे मैच हो उसे दे दी और इसमें थोड़ी ही रखी। जो बीच वाला मेकअप का है उसमें यहाँ पे मैंने जो मेरे शेड्स है वो रखे हैं। ये बहुत ही अच्छी पैलेट है मेकअप स्टूडियो की, ये मेरा शेड है। फिर ये सब डार्क लिपस्टिक्स है, फिर ये सब न्यूड लिपस्टिक है, फिर ये कॉम्पैक्ट, वो सब मैंने कॉम्पैक्ट भी 3-4 सुगर के, फिर क्लिनिक के, मेबिलिन के, वो सब मैंने कलेक्ट किए थे, लेकिन अब मैं लास्ट में यहाँ पर आई हूँ। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं आपको अमेजोन फाइंड्स में दिखाऊंगी। और फिर ये ट्रिमर है, और जो थोड़े शेड्स मैंने रखे हैं वो यहाँ पे है सभी ब्रांड्स के। फिर इसके नीचे थोड़ी मेरी पैलेट्स है बॉबी ब्राउन की, फिर ये तो मेरी फेवरेट है, कलर्स बहुत ही अच्छे हैं इसके, और मुझे न्यूड मेकअप ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये एक पैलेट है जिसमें कलर्स है, लेकिन ये मैंने कभी यूज़ नहीं की है, और ये सब कियाना ने किया है, उसको लगा कि ये कलर्स है, सो इसमें ब्रश डाल डाल के कलर कर रही थी। फिर इसमें मैंने ब्रशेस रखे थे जो अभी यहाँ पे है, ये है ना मेरा फेवरेट ब्रश है। फिर ये सब प्रेप और प्राइम की चीज़ें हैं, फिक्सिंग स्प्रे है, प्राइमर्स है, थोड़े परफ्यूम्स है, ये कियाना की मैजिक नेल पेंट्स है जो 24 आवर्स में चली जाती है, तो उसके यही कर देती हूँ। फिर ये नेल रिमूवर है, वो भी 3 टाइप के है फिर ये छोटे छोटे मिरर है, फिर ये फैन है, ये छोटू सा और मिरर है, और ये ईयरबड्स है छोटे छोटे, कभी हमें इमरजेंसी में चाहिए तो ईजीली मिल जाए। इसके नीचे भी ये मिरर है, ये बहुत ही अच्छा है। फिर थोड़ी लाइनर वो सब मैंने स्टॉक में रखी है, और एक हैंकी भी मैंने यहाँ पे रखा है। फिर आई लैशेस है, आई ग्लू है, वो सब। जो ये लेफ्ट साइड के कंपार्टमेंट्स है वो किया ना के है, लेकिन उसमें से ये दो राज के है, उसकी भी बहुत सारी थिंग्स थी तो उसको रखनी थी, लेकिन मैं ये आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे भी ये देख के अटैक आ जाएगा। तो उसके नीचे जो थर्ड ड्रॉअर है वहां से मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये दो ड्रॉअर है वो तो हम खोल नहीं सकते, तो तीसरे में है कियाना की सारी हेयर एक्सेसरीज। ये सब है उसके रबर बैंड्स और रूटीन पिंस, ये सब उसके स्कूल ड्रेस में जाती थी, ये सभी कलर की है सो इसमें रखी है। ये फिर थोड़ी क्लिप्स है जो नीचे के उसके छोटे छोटे हेयर है वो अगर निकल जाए तो, ये उसकी रिंग्स है। फिर ये थोड़ी क्रंचीज है बड़ी वाली, ये सब रूटीन रबर्स है। इसके नीचे ये मैं छोटी थी ना तब मेरे पास भी था, तो मैंने कियाना के लिए भी लिया है, और छोटे छोटे क्यूट क्यूट बटरफ्लाइज भी है। फिर ये ड्रॉअर में उसकी बड़ी वाली सब क्रंचीज है। फिर यहाँ पे बहुत ही क्यूट वाली सब पिंस है। फिर ये सारे रबर बैंड्स है जो दो चोटी लेती है ना, मुझे उसमें बहुत ही क्यूट लगती है। फिर ये शादी वादी हो तो थोड़ा ग्लिटरी शिमरी। फिर ये भी क्लिप्स बहुत अच्छी है, मुझे ये भी कलेक्ट करना बहुत ही पसंद है, तो मैंने ये भी अपने आप ही लिया है, राज बच जाता है हर बार उसकी स्टोरी अगर आपने वार्डरोब 3 देखा हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब मैं कैसे लेती हूँ। फिर ये सब उसकी और पिंस है, और ये उसकी क्लिप है जब नील पहली बार उसे मिला था ना, तब वो US से ये सब लाया था, और ये बहुत ही प्यारी है, कियाना ने बहुत ही डाली है, जब उसके हेयर छोटे थे तब वो बहुत ही इसको यूज़ करती थी। और ये मेरी सारी पिन है, जब मैं छोटी थी मेरी जो रेखा मासी है वो मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी पिन ले देती थी, तो ये जो पुराने ज़माने में होती है ना वो सब वो मेरी पिन्स है। सी, फिर इसमें इसके बो है, मुझे उसके बो बहुत ही पसंद है, बहुत ही क्यूट है।
ये श्रुति भी कई बार लाती है क्यू के लिए हेयर एसेसरीज, और प्राची पीन्स बहुत ही अच्छी अच्छी लाई है। फिर ये मैंने शादी में जो पहन सकते हैं वो सब थोड़ा क्रिएटिव भी इसमें डाला है, वो मैं आपको क्रिएटिव के वीडियो में दिखाऊंगी। और जो लास्ट वाला है ये सब उसकी हेयर बैंड्स है, तो वो हेयर बैंड्स बहुत ही कम यूज़ करती है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली जब फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करना होता है ना, तो वो थोड़ी देर लगा देती है लेकिन उसके बाद वो निकाल देती है। ये सब उसके जो फेस्टिवल होते हैं उसकी चीज़ें है। ये जब छोटी थी तब मैं इसको ये पहना के फ़ोटोशूट करती थी। फिर ये उसकी थोड़ी वॉचेस है, एक दो वो ले गई है अभी घूमने गई है वहाँ पे। फिर ये उसके सारे गॉगल्स है। फिर नीचे हेयर बैंड्स है, वो भी उसने कभी नहीं लगाए। और ये सारी उसकी कैप है, बहुत ही क्यूट क्यूट है, आपने वीडियो में या फोटो में देखी होगी। ये हो गया पूरा ड्रेसिंग का वीडियो। अब ये ड्रेसिंग का वीडियो तो हो गया, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मेरे पर्सेस कहाँ पे रखे हैं। एक्चुअली जो वार्डरोब 2 था ना, उसमें मैंने रखे थे, लेकिन उसमें मुझे निकालने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सारे पर्सेस डिस्प्ले कर दिए हैं। चलो देखते हैं। जो मैंने पर्स कहाँ पे रखे उसकी बात की थी, तो ये जो बेड के नीचे जो ड्रॉअर होता है जिसमें हम सोल या ब्लैंकेट्स रखते हैं, मैंने इसमें सारे पर्सेस रखे हैं। इसमें भी मैंने कैटेगरी वाइज रखा है, जैसे कि ये जो यहाँ पे है वो सब मेरी टोट बैग्स है। फिर ये है वो मेरे सारे रूटीन के पर्स है। फिर ये जो फ़ोन या रुपए हम रखते हैं वो स्लिंग बैग्स है, छोटी वाली। फिर ये जब मैं वेडिंग या फंक्शन में जाती हूँ तब यूज़ करती हूँ। और ये सब है मेरी बैग पैक्स। और एक दो पर्स जो नहीं रह रहे थे वो मैंने यहाँ पे ऊपर रखे हैं, जो बड़े वाले हैं उसके अंदर भी एक एक पर्स है। इसमें से एक एक बैग मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये टोट बैग है, तो ये एनिमल प्रिंट वाली मुझे बहुत ही पसंद है, उसके ऊपर के भी लिखा है और बहुत सारी चीज़ें रह जाती है। फिर एक इसमें से निकालते हैं, ये H&M की मेरी फेवरेट है और उसका कलर भी बहुत ही अच्छा है। फिर ये रूटीन में ये एनिमल प्रिंट, ये मुझे बहुत ही काम आती है क्योंकि अब मेरे पास 2 सेल फोन्स है और सब इसमें रह जाता है। फिर ये शोल्डर बैग, ये भी मेरी फेवरेट है, इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जो ये बैकपैक है उसमें से ये मेरा फेवरेट बैकपैक है। यहाँ पे कॉर्नर पे ना मैंने ऐसा बॉक्स रखा है जहाँ पे मैंने थोड़े जो हैंगिंग्स होते हैं, स्कार्फ्स होता है, पाउचिस होती है, वो सब रखा है, जिससे पूरा लुक चेंज हो जाता है कोई भी हैंडबैग का। तो ये सब मैं लगाती हूँ। ये स्कार्फ्स भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, सी पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। फिर वेडिंग में ये सबकी फेवरेट, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है इसके बारे में। फिर ये वो सब, और यहाँ पे ना अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, वो थोड़ी क्रिएटिव बैग्स मैंने बनाई है, तो वो मैं आपको जब मेरे क्रिएटिव वीडियोस आएंगे तब बताऊंगी। सो कैसी लगी है मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को पसंद आए। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि होम टूर की वीडियो बनाए, बिकॉज ऑफ सेफ्टी मैं ये नहीं बना सकती कि कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, और जो भी रूम वो सब है वो आपको स्टोरी या वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और जो मेरा घर है उसमें मेरे रूम में वार्डरोब या ड्रेसिंग वो सब तो मैंने आपको दिखा दिया, और दूसरी सारी चीज़ है वो आपको स्टोरी में दिखाई दे रही होगी। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं नहीं बना सकती होम टूर की वीडियो। और जो प्राची और नील की जो स्टोरी है उसके बारे में मैं ऐसा कहूँगी कि जो मेरी स्टोरी मैं बोल रही थी ना, तो आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि वो मेरी फीलिंग्स थी और मैं एक्सप्रेस कर रही थी। अगर राज भी मेरे साथ बोल रहा होता ना, तो वो वीडियो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन जो प्राची श्रुति के बारे में है वो बोलती ना, तो ज्यादा आपको फीलिंग्स आएगी। अगर मैं बोलूंगी तो मुझे पता नहीं है कि जब मैंने राज को देखा तो मेरी क्या फीलिंग्स थी, वो मैंने जैसे एक्सप्रेस की है वो मैं उसमें नहीं कर पाऊंगी। और क्या कमेंट्स थी? हाँ, और
और ये कमेंट भी थी कि मैंने अक्षुति की वेडिंग में स्पीच जो बोली थी, लेकिन वो थोड़ी प्राइवेट है क्योंकि वो मेरी फैमिली थी और मैं बहुत ही क्रेजी टॉकेटिव हूँ और मुझे ही एक्सप्रेस किया है उसमें, सो वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती, वो थोड़ी पर्सनल है और थोड़ी कॉमेडी भी है उसकी वजह से। और क्या है, एक बार मैं देख लेती हूँ क्या क्या कमेंट्स थी। हाँ, तो ये भी कमेंट है कि नए घर कब जाने वाले हैं, तो अभी वो फर्नीचर स्टार्ट भी नहीं किया, सो अभी बहुत ही देर है, 1-1.5 साल तो हो ही जाएगा। Oh no! और एक कमेंट है कि आप चाय पीती हैं? तो हाँ, मैं सुबह चाय पीती हूँ चपाटी के साथ, लेकिन इतनी सी, मुझे ऐसे ही चाय पीना पसंद नहीं है, उसके साथ मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। और शाम को मैं एक वीक में एक बार पीती हूँ कभी कभी, जब कंपनी होती है राज की या पहले प्राची की, तो वैसे मुझे चाय ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और डीएम्स भी है कि आप बहुत लकी हो कि आपकी इतनी अच्छी फैमिली है और आप सबका बॉन्ड इतना अच्छा कैसे है। तो राजकुश की लव स्टोरी वाली वीडियो है ना, उससे आपको पता चलेगा कि जो मेरे दोनों पापा हैं वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे और रूम पार्टनर भी थे और अब भी बेस्ट फ्रेंड है। और हाल ही में ऐसा है कि वो आहान और कियाना को लेके बाहर गए हैं चारों घूमने के लिए, तो उन लोगों की बॉन्ड इतनी अच्छी है कि उनकी वजह से हमारी बॉन्ड भी बहुत अच्छी हुई है। और जो सबका नेचर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रैंक है और अंडरस्टैंडिंग है, वो बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देखा, मैंने फिर से बकबक करना चालू कर दिया। एक्चुअली जब मैं एक टॉपिक पे चालू करती हूँ ना, फिर उसमें मैं खो जाती हूँ और मुझे वीडियो बनाते बनाते ऐसा भी ख्याल आता है कि हाँ चलो ये वाला टॉपिक उछाला है ना कि फैमिली वाला, तो एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार किया है और टच वुड की एक भी मुझे नेगेटिव कमेंट्स के डिसलाइक नहीं आई है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।